हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। फ्रेंड आज हम आप वीडियो में बात करने वाले हैं दो नई जॉब रिक्वायरमेंट जो फ्रेंड आपकी आई है एडिसन एंड सेकंड कंपनी फ्रेंड जॉब की आई है माइंडट्री की तरफ से। फ्रेंड दोनों का अप्लाई करने का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है, एलेक्शन प्रोसेलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाला है और पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग एडिसन फ्रेंड जो हायरिंग कर रही है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी रिफ्रेशर्स रोल के लिए हायरिंग कर रही है। जब वो आपका पोस्ट हुआ है 3 अगस्त, लोकेशन आपका नोएडा यूपी इंडिया का होने वाला है। और बात कर ले कौन कौन एलिजिबल है तो देखिए फिर बी बीटेक है इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन डेटा साइंस के लोग यहाँ पर एलिजिबल है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर आपका 0 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस बी एच ऑफ 2017 से लेकर 2021 बैच के बी बीटेक के लोग यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और फिर इसमें आपका जो है नो एसक्यूएल मशीन लर्निंग एडेड एडवांटेजेस माई एसक्यूएल कनाडा कंस्ट्रा मोंगोडीबी C++ पाइथन जावास्क्रिप्ट आपके बारे में इसके और नॉलेज आपका होना चाहिए। अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। सेकेंड फ्रेंड बात करें आपका माइंडट्री जो हायरिंग कर रही है जावा डेवलपर चेन्नई रोल के लिए, चेन्नई लोकेशन के लिए हायरिंग कर रही है, जिसमें आप लोग किसी भी ग्रेजुएट से हो एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका फुल टाइम रोल देखने को मिल जाता है, फिर आपका लोकेशन चेन्नई और माइंडट्री आपका जावा आपका आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो आपको अप्लाई करते हो उसके बाद आपको एक असेसमेंट राउंड देखने को मिलेगा, उसके बाद सीधा आपका टेक्निकल एंड फाइनल राउंड होने वाला है। जो आप ज़्यादातर जो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो आपका जावा के ऊपर में ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए मतलब जावा प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट कोड रिव्यू रिपोर्ट वगैरह के बारे में आपका जिसका इसका जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसमें आपको देखेंगे फिर आपका रेगुलर जेएस रिएक्ट जेएस HTML5 CSS3 के बारे में नॉलेज आपका होना चाहिए, MongoDB कैसेंड्रा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, अप्लाई करने से पहले रेज्यूमे को जरूर अपडेट करें तभी आपके यहाँ से रिप्लाई बैक देखने को आएगा फ्रेंड, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। दोनों का अप्लाई करने का जो लिंक है मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड होप करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।